एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में ठाकुर के घर बिट्टू और जोनी काम करते थे। ठाकुर ने ईद के लिए 3 गाय खरीदी थी। बिट्टू और जोनी, मैंने ईद के लिए गाय तो खरीद ली है, अब तुम दोनों इनके लिए कसाई का बंदोबस्त करो। दूसरी तरफ नसीबो कैंची अपने सास ससुर के साथ रहती थी। ससुर जी, टोटल 15,000 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। वाह बहू वाह, इसमें तो हम 2 बकरे खरीद सकते हैं। नहीं नहीं, पैसों से तो हम बकरे और ऊंट भी खरीद सकते हैं। अरे वाह, और जो बाकी पैसे बचेंगे उससे हम गोश्त की दुकान खोल लेंगे। मीठे दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? 15,000 में तो बकरे का बच्चा नहीं आएगा और तू गोश्त की दुकान खोलने की बात कर रहा है। फिर अब क्या करें हम? करना क्या है अम्मा, सब अपने अपने पैसे वापस ले लेते हैं। खबरदार मिठे, जो तूड़े ने पैसों को हाथ भी लगाया, ये कुर्बानी के पैसे हैं। तो क्या तू इन पैसों पर छुरी चलाएगी? बकरा कहाँ से आएगा? मिठे, मैं 5,000 और मिला देती हूँ, 20,000 में तो बकरा जा बेगा। अरे वाह बेगम, तू तो छा गई। चलो अब्बा जी बकरा खरीद कर आते हैं। फिर मीठा और उसका बाप घर से निकलते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू गाय को घास खिला रहा होता है तो ठाकुर बिट्टू के पास आता है। सुनाओ बिट्टू, कसाई का इंतजाम हुआ? ठाकुर साहब आप परेशान मत हो, मैं कसाई का इंतजाम कर लूँगा। जबकि मीठा और उसका बाप बकरा खरीद कर घर आ जाते हैं। नसीबो और अम्मा जी आ जाओ, हम बकरा ले आए हैं। फिर नसीबो और सास बाहर आते हैं। ओ अम्मा, तू क्या ढूंढ रही है? मीठे, बकरा ढूंढ रही हूँ। ओ अम्मा नीचे देख, बकरा ये है। ओ मीठे, बकरा नहीं, मुझे तो ये बिल्ली लग रही है। अरे ओ मीठे, तुम 20,000 में इतना छोटा सा बकरा लेके आए हो? बेगम असल में ऊंट रक्षे में पूरा नहीं आ रहा था, और मोटी नाक वाली औरत, वरना 20,000 में ऊंट भी मिल रहा था। मीठे जा, मैं तुझसे नहीं बोलती, मैं नाराज हूँ तुझसे। ओ बेगम बकरा तो मत देख, कुर्बानी की नियत देख नियत। चल ठीक है मीठे, इसे अंदर लेकर चलते हैं। नहीं सासु माँ इसे बाहर बांध देंगे, पर बहू बाहर तो इसे चीले उठा कर ले जाएंगी। फिर वो बकरा बांध कर अंदर चले जाते हैं तो बकरे की आवाज आती है। मीठे लगता है बकरा भूखा है। बेगम भूखा तो मैं भी हूँ। मीठे अपनी फिक्र छोड़, वो कुर्बानी का जानवर है, जा उसके लिए घास का बंदोबस्त कर। बेगम कहाँ से घास लाऊं, जो पैसे बचे थे वो रिक्शे वाले को दे दिए। चल बहू मीठे को चारे के पैसे दे ताकि ये चारा लेकर आए। सासू माँ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तुझे क्या मौत पड़ी थी कुर्बानी करने की? बहू मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ससुर जी दोपहर का खाना तो है पर रात का खाना नहीं है। तो बहू रात को हम क्या खाएंगे? अब्बा जी सब्र कर लो, कल हम बकरा काट कर खाएंगे। मीठे वो तो तब खा बेंगे जब इस बकरे को कुछ खिला बेंगे। जिस तरह किसकी सेहत है, कल तो ये भूख से ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अब्बा जी नसीबो ठीक कह रही है, इसे खाने से पहले कुछ खिलाना जरूरी है। पर मीठे चारा कहाँ से लाए, पैसे तो है नहीं। मीठे तू एक काम कर, बाहर जा, जिसकी गाय घास खा रही होगी उधर से घास उठा कर आ जा। वाह अम्मा, ये तो तूने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, मैं भी जाता हूँ। फिर मीठा घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक गाय घास खाती नजर आती है। वाह घास का बंदोबस्त तो हो गया, पर इसके साथ जो बंदा खड़ा है उसे किसी बहाने से कहीं भेजना पड़ेगा। फिर मीठा वहाँ आ जाता है। माशाल्लाह भाई, आपकी गाय तो बहुत खूबसूरत है, वैसे कितने का लिया है ये जानवर? भाई ये गाय मैंने पूरे 1,80,000 की ली है। भाई आपने ये जानवर थोड़ा महंगा ले लिया, मैं इससे ज्यादा तगड़ा जानवर 20,000 मेरा मतलब 1,50,000 का लाया हूँ। खैर भाई ये बताएं, आपने कसाई का इंतजाम कर लिया? नहीं यार, अभी कसाई का इंतजाम करना है। एक तो कसाइयों के नखरे बहुत है, मुश्किल से ही कसाई मिलेगा। लो भाई ये मसला तो मैं आपका हल कर देता हूँ। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, फिर सीधे हाथ मुड़ जाना, वहाँ सीधा कसाई बैठा होगा, उसे बोलना मीठे ने भेजा है, तो वो नाम सुनते ही ईद पर आकर आपका जानवर ज़िबा कर जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शुक्र है ये दफा हो गया, चलो अब इसकी घास उठाकर यहाँ से फरार हो जाता हूँ। फिर
मीठा जैसे ही घास उठाने लगता है तो गाय उसे जोर की लात मारती है तो वो दूर जाकर गिरता है। ओए अम्मा मर गया, ओए को इतनी जोर की भी लात मारता है भला, नहीं लेता तेरी घास, ठूस ठूस घास, मैं जा रहा हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ बिट्टू कसाई ढूंढ रहा होता है तो रास्ते में उसे मीठा मिलता है। भाई आप मुझे यहाँ के लग रहे हैं, ये बताएं कसाई कहाँ से मिलेगा? हमारे ठाकुर साहब ने 3 गाय ईंट पर जिबा कटवाने के लिए खरीदी हैं। ये सुनकर मीठे के जहन में एक आइडिया आता है। भाई साहब आप सही जगह आए हो, मेरा अब्बा कसाई है, आपकी 3 गाय तो वो एक झटके में ही गिरा देगा। वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो गया, चले आप ठाकुर साहब के पास, उनसे आपको एडवांस पैसे ले देता हूँ, उनकी बुकिंग कर लें। फिर बिट्टू और मीठा वहाँ से निकलते हैं और ठाकुर साहब के पास आ जाते हैं और बिट्टू ठाकुर साहब को सारी बातें बताता है। वाह बिट्टू शाबाश, ये लो मीठे पूरे 10,000 रुपए और बाकी के पैसे जानवर जिबा करने के बाद। फिर मीठा पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। मीठे ये क्या घास किधर है? तुम लोग सब छोड़ो, ये देखो पूरे 10,000 रुपए। पर मीठे तेरे पास ये 10,000 कहाँ से आए? फिर मीठा उन्हें सारी बातें बताता है। मीठे पर मैं मुर्गी जीबा नहीं कर सकता और तू गाय गिराने की बात कर रहा है। अब हमने कौन सी गाय गिरानी है, हम तो सिर्फ लोगों से एडवांस पैसे पकड़ेंगे और हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे किसी ठंडे इलाके ईद मनाने। मीठे वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी कसाईयों की बहुत डिमांड होती है ईद पर, इसलिए तो अब्बा कह रहा हूँ हुलिया बदलो और बन जाओ कसाई। फिर मीठा और बाप कसाई बनकर निकल जाते हैं। चल अब्बा शुरू हो जा, आओ कसाईयों की बुकिंग करवा लो, छोटे मोटे बड़े जानवर जिबा करवा लो, सबको आजमाते हो, आज हमें भी आजमा लो। फिर उन्हें एक आदमी नजर आता है तो वो वहाँ आ जाते हैं। माशाल्लाह जी आपकी गाय तो बहुत प्यारी है, जनाब आप ये सारी ही जिबा करवाओगे ना? हाँ जी जी कसाई साहब, सब जानवर जिबा करवाने हैं। चलो भाई फिर एडवांस दे दो। इस तरह मीठा और उसका बाप काफी जगहों से एडवांस इकट्ठा करने लग जाते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। वाह मीठे मेरे पास तो एडवांस ही 40,000 इकट्ठा हो गया है, और अब्बा जी मेरे पास 50,000। मीठे वैसे ये काम बहुत अच्छा है, हम क्यों ना सचमुच के ही कसाई बन जाएं? अब्बा जी कसाई बनने को छोड़ो और बस यहाँ से निकलने की तैयारी करो। पर मीठे अपने बकरे का क्या करेंगे? हाँ अब्बा जी उस बकरे को तो हम भूल ही गए, एक काम करते हैं उस बकरे को हम आज रात ही जिबा कर देते हैं। मीठे तू पागल तो नहीं हो गया, इसकी कुर्बानी कल होगी ईद के दिन। फिर अब्बा जी अब क्या करें? मीठे काम करते हैं, कल सुबह सवेरे हम ईद की नमाज पढ़कर अपना बकरा जिबा करेंगे, फिर यहाँ से 9 to 11 हो जाएंगे। ये ठीक है, अब हम ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जहाँ सबसे पहले ईद की नमाज हो जाए, इतनी सुबह सवेरे तो कोई हमें पकड़ेगा भी नहीं। फिर अगली सुबह वो बकरा जिबा कर देते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो जी बकरा जिबा हो गया, अब निकलने की करो और बकरा रास्ते में किसी गरीब को दे देंगे। पर मीठे अंदर से सामान का बैग तो उठा ले। फिर वो सारा सामान उठा लेते हैं। मीठे जल्दी निकलने की कर, लोगों के फोन आ रहे हैं। फिर वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लोग वहाँ खड़े होते हैं और इतने में ठाकुर बिट्टू और जोनी भी वहाँ आ जाते हैं। हैं आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग रहे हो बे? हम भाग तो नहीं रहे, हम तो आप लोगों की गाय जिबा करने जा रहे थे। अबे वो पूरी फैमिली के साथ गाय जिबा करने आ रहा था? हाँ हाँ जी, आप लोगों के जानवर बहुत तगड़े हैं ना, इसलिए पूरी फैमिली के साथ गिराने जा रहे थे। अबे अब तो तुम लोगों को हम मिलकर गिराएंगे और तुम्हारी कुर्बानी करेंगे, चलो आओ शुरू हो जाओ। फिर वो सब उनकी खूब पिटाई करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।